देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही लाजवाब और टेस्टी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है चविष्ट पदार्थ। मैं हूँ सोनल और आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का मसाला। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बनती है, कम से कम टाइम में बनती है, तो इसे कैसे बनाने वो हम जानेंगे। बट अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक टाइम पर आए। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ मसाले लिए हैं। ये कितने मसाले हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिस्ट दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर पनीर के साथ कुछ वेजिटेबल भी ऐड किए हैं और कुछ और मसाले भी है, तो ये क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बता दूंगी। एज वेल एज मैं आपको जब मैं प्रोसेस करूंगी तो वहाँ पर भी बता दूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अब हम पनीर टिक्का का मसाला बनाते हैं। हमने लिया है दही। दही के अंदर हम डालेंगे बेसन, 2 से 3 चम्मच रहेंगे, साथ ही साथ इस काली मिर्च ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तीखा मसाला और हम इसमें अभी सारे मसाले ऐड कर देंगे जो मैंने आपको बताया है। और इसमें हम डालेंगे गरम गरम उबला हुआ तेल, अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट आपको ये ऐसे ही डायरेक्शन में घुमाना है। इसमें मैंने नमक पहले से ही ऐड किया है तो हमको एक्स्ट्रा नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसका रंग भी हल्का हल्का सा चेंज हुआ है, ऑयल भी साइड में हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। उसके बाद डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने अच्छे से काट लिए और उसके बीज भी निकाल दिए। शिमला मिर्च के भी मैंने बीज निकाल के मोटे मोटे काट लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे 1.5 से 1 घंटे के लिए रेस्ट में, क्योंकि हमने जो पनीर ऐड किया है और जो वेजेस ऐड किए हैं उसके अंदर ये सारा मसाला जाना चाहिए और उससे हमारी रेसिपी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। एक पैन में हमने लिया है तेल। अब इसमें हम सारी वेजेस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। पानी की छींटे तेल पे उड़ने की वजह से बहुत सारी आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं रेसिपी बाहर शूट कर रही हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रहा है और बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है ऐसी रेसिपी ट्राई करना या फिर घर पे बनाना। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ आप ये रेसिपी खा सकते हो। इसको भूनने के लिए हालांकि 10 मिनट ही लगते हैं, बट आप भूनने के लिए नॉनस्टिक पैन या फिर कढ़े का उपयोग कीजिए जिसके कारण आपका जो भी मसाला है वो जले ना और अच्छा सा स्वाद निखर के आए। हल्के हल्के हाथों से भून लेना है ताकि आपका पनीर टूटे ना। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको साइड में रखते हैं। एक नॉनस्टिक कढ़ाई में मैंने लिया है तेल। तेल गर्म होने के बाद अब इसमें डालेंगे जीरा। जीरा अच्छे से तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग। साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने बहुत अच्छे से बारीक काट के रख दिया है और इसको हम अच्छे से चलाकर 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। प्याज अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी मैंने लिया 1 छोटा चम्मच। उसके बाद चुटकी भर गरम मसाला, लाल मसाला इसमें डालेंगे और कलर आने के लिए थोड़ा सा कलर वाला मसाला ऐड करते हैं। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने लिया है 1 कच्चा टमाटर जो मैंने कद्दूकस लिया है, उसको भी इसमें डाल देंगे। दही और टमाटर डालने से क्या होता है, हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनती। जिन लोगों को तीखा कम खाना पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छा है और इससे क्या होता है कि टेस्ट भी हमारा अच्छे से मेंटेन रहता है। अब हम इसमें ऐड करते हैं पनीर टिक्का की ग्रेवी जो हमने अच्छे से भून ली थी और यहाँ पर हमारी रेसिपी अभी तैयार होने को आ रही है। अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए तब तक। पानी ऐड करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद आप देख ही सकते हो हमारी रेसिपी कितनी लाजवाब और टेस्टी बनी है। ये रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम टाइम में ये रेसिपी जल्दी बन जाती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं या फिर घर में अगर कुछ नई चीज़ ट्राई करना है तो आप ये रेसिपी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन भी जाती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ आपके लिए बना के लेती आऊँ। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले रेसिपी में, तब तक आप देखते रहिए चविष्ट पदार्थ। थैंक यू।